हमारे ग्राम में काफ़ी परेशानियां हैं जो सड़क को लेकर हैं, विकास को लेकर हैं, जो जगह जगह मैंने देखा है कि इस समय पानी भरा हुआ है, तो बारिश के समय क्या हाल होता है वो मैं कल्पना कर पा रही हूँ। तो उन मुद्दों पे मैं बात सोचना चाहूँगी आगे, यदि मुझे यहाँ से चुना जाता है तो मैं इन सभी विषयों पर ध्यान दूँगी। क्या क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? यहाँ पर साक्षरता की बहुत कमी देखी मैंने, जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा ही नहीं रहे, कहीं नहीं जा रहे, तो पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें प्रेरित करें। और प्रौढ़ शिक्षा को लेकर भी हम आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा वो अपना नाम भी लिखना नहीं जानते। तो मेरा मैम, जैसा देखा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें टीचर नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, तो स्कूल से हटकर क्या आप किसी अन्य पाठशाला, अपनी प्राइवेट पाठशाला बच्चों के लिए चलाएंगे? जी मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाए, ऐसी कि जो कुछ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जिनके पास पैसे की कमी है, तो उनके लिए व्यवस्था की जाए। अच्छा, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या सोचा आपने? उनके विकास के लिए सबसे पहले उन्हें काम मिले, बहुत से तो बेरोजगार हैं जो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, और पढ़ाई को लेकर उन्हें हम आगे बढ़ाना चाहेंगे प्रौढ़ शिक्षा देकर, कि अलग से उनकी कोई क्लास रखी जाए इस तरह से कि वो पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ें। स्वास्थ्य के लिए क्या सोचते हैं? इन लोग की समय समय पर पूरी सुरक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य परीक्षण रखे जाएँ, कि उनको दिखाएँ, क्योंकि गाँव में जो देखा है अभी तो जो गली गली जाकर देखा है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं दिखते, ऐसे ही घूम रहे, और साथ में वहाँ नालियाँ बह रही हैं। तो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे हम, कि उन चीज़ों की सफाई का ध्यान रखें कि सारे जो ग्रामवासी हैं वो स्वस्थ रहें। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेन तो बच्चों का विकास है, सबसे पहले बच्चों का, फिर जो लेडीज़ हैं, क्योंकि जेंट्स तो कुछ ना कुछ कहीं कर ही रहे, लेकिन लेडीज़ के लिए भी बहुत सोचना है। आई विल ट्राई टू गिव माई 100% बेस्ट फॉर माई सिमरावारी। थैंक यू। हमारा सबसे पहला मुद्दा अपने क्षेत्र की सारी सफाई की समस्याएं का, जिससे के स्वास्थ्य संबंधी लोगों को परेशानियां ना हों, जिससे कचड़े की गाड़ी का इंतजाम किया जा सके, जिससे कि गाड़ी से कचड़ा उठा के अन्यथा ऐसे स्थान पर फेंका जा सके जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ना हों, एवं एक सुझाव पेटिका एवं एक शिकायत पेटिका का भी हमारे द्वारा प्रावधान किया जाएगा। जो लोग अच्छे सुझाव होंगे, अच्छी शिकायत होंगी, उनको आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। अगर हमारे इधर जो खेती किसानी वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक गौशाला का ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे कि गौशाला को उनमें गायों की सेवा की जा सके, एवं किसान अपने दिन रात जो 24 घंटे जाके अपनी खेती को बचाते हैं, उनको कुछ रिलैक्स मिल सके, आराम मिल सके। अच्छा, आपने गौशाला की बात की है, प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार है, गौशाला के लिए कई काम कर चुकी है। जी जी, आपको क्या लगता है गौशाला के लिए जो गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं उनको हम और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, एवं सबसे बड़ी गौशाला सिमरावाड़ी क्षेत्र में स्थापित की जा सके इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, एवं लाइटिंग की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे अच्छे से अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था रहे एवं रोशनी की व्यवस्था रहे, और नाली की साफ़ सफाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को रख के उनको नाली की साफ़ सफाई का प्रोग्राम हमारे उसमें। मैं घूम घूम के जो सारी समस्याएं देखी हैं उनको अपने पास नोट किया है, एवं उनके निराकरण के लिए सारा प्रयास किया जाएगा। गरीबों के लिए सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के उनके सोलर प्लांट लगवाने की व्यवस्था की जाएगी, एवं खेल प्रेमियों के लिए बड़ा से बड़ा ग्राउंड बनवाने की कोशिश की जाएगी, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग आगे निकल सकें, खेल प्रेमी आगे निकल सकें, एवं एक महत्वपूर्ण कार्य गरीब कन्याओं के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें उनकी शादियों के लिए होने वाले खर्च में कमी आ सके, एवं 5 कन्याओं का विवाह हर साल हम लोग अपने तरफ से कराने की कोशिश करेंगे, एवं अंबेडकर मूर्ति की स्थापना अगर हमारे प्रधान प्रत्याशी बनते हैं, ये प्रधान बनते हैं, तो 1 साल के अंदर सबसे पहले हमारे क्षेत्र में अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी सिमरावाड़ी में।